Hello guys, welcome to your favorite channel, one of the inspiring and knowledgeable channel. Today I am sharing you a two topics. First is what is sound and the second one is how do we measure sound. You all know that what is the sound, but you didn't know that how do we measure sound. So for this only I have made this special video for you. If you like the video, please don't forget to subscribe and press the bell icon. So let's start the video. And guys, if you want to share something about my channel, please comment me. So without wasting any time, let's get started. The target of likes in this video is 100, so please complete my target. So guys, sound to sabko pata hi hoga kya hai. To sound ek aisi cheez hai jo बहुत ही क्विटेस्ट भी हो सकती है और बहुत ही लार्जेस्ट भी हो सकती है. सो साउंड इज़ अ डिस्टर्बेंस ऑफ एयर मेड व्हेन समथिंग सच अ स्ट्रिंग वाइब्रेट्स और मूव्स बैक एंड फॉरवर्ड क्विकली. दैट मीन्स कि अगर आप कहीं पे जा रहे होते हैं और अचानक से प्लेन की टेक ऑफ होने की आवाज़ आए तो कितना बड़ा सा साउंड होता है. वो साउंड इसलिए आता है क्योंकि जो प्लेन के जो वेव्स होते हैं वो एयर में मिक्सअप हो जाता है और एक साउंड क्रिएट करता है. और ये साउंड हमें बहुत ही बड़ा सुनने में लगता है क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि प्लेन जब भी टेक ऑफ होता है या तो फिर वो लैंड होता है तो कितना बड़ा साउंड आता है. सो बस साउंड यही है. जब भी कोई चीज़ एयर में कन्वर्ट होती है, मतलब मिक्सअप होती है, तो वो बड़े से साउंड में बदल जाती है. तो अब मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि आपको साउंड पता ही है. तो अब हमारे दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर चलता है जो शायद से आपको नहीं पता होगा. तो चलिए पता लगाते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक. सो गाइज, हमारा दूसरा टॉपिक है हाउ डू वी मेजर साउंड. सो जनरली जो साउंड होता है वो हम एक यूनिट से मेजर करते हैं जिसका नाम होता है डेसिबल्स. तो आपको पता ही होगा कि हम अर्थक्वेक सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं. तो जनरली साउंड को भी तो मेजरमेंट होता है, तो हम साउंड को डेसिबल्स नाम की यूनिट से मेजर करते हैं. तो क्या आपको पता है सबसे क्विकेस्ट साउंड लाइक लीव फॉलिंग, उसको अराउंड 0 to 10 डेसिबल्स होते हैं. और सबसे लाउडेस्ट साउंड मतलब या तो फिर प्लेन का फिर लैंड होना या तो फिर प्लेन का टेक ऑफ करना, ये भी सबसे लार्जेस्ट साउंड होता है और इसको 200 से भी ज़्यादा डेसिबल्स होते हैं. और क्या आपको पता है कि अगर 90 डेसिबल से अप का कोई साउंड हो तो वो हमें बहुत ही डेंजरस होता है लिसन करने में. तो चलिए हम देखते हैं कि लीव फॉल कैसे होता है और प्लेन का टेक ऑफ कैसे होता है और जब भी प्लेन टेक ऑफ होता है तो उसका साउंड किस टाइप का आता है. मैं देख सकते हैं कि लीव कैसे फॉल हो रहा है और लीव जब भी फॉल होता है तो एकदम साइलेंट आवाज़ आती है, एकदम क्विटेस्ट साउंड होता है. सो गाइस, आपको एक्चुअल साउंड तो प्लेन का तभी सुनाई देगा जब आप प्लेन के नज़दीक जाओगे या तो फिर आप प्लेन के अंदर बैठे होगे जब प्लेन टेक ऑफ होता होगा. बट ये तो सिर्फ एक छोटा सा साउंड था, इससे तो कहीं गुना बड़ा प्लेन का साउंड होता है जब वो टेक ऑफ होता है या तो फिर जब वो लैंडिंग होता है. और कोई कई लोगों के तो कान भी बंद हो जाता है. तो इसका जो डेसिबल्स होता है 200 से भी अप होता है, इसलिए इसका साउंड बहुत ही डेंजरस है. सो गाइस, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना. बाय बाय.